हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 में मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस करें। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टैंक इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, एट व्हाट स्पीड शुड वाटर रन थ्रू अ पाइप 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर डीप, सो दैट इन 6 आवर एंड 18 मिनट वाटर लेवल इन द टैंक राइजेस बाय 4.5 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक है जिसका लेंथ 7 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है, और कह रहा है कि व्हाट स्पीड शुड वाटर रन, किस स्पीड से वाटर जो है फ्लो करे एक पाइप से, जिस पाइप का आपको दिया हुआ है ब्रॉड 5 सेंटीमीटर और डीप दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और कह रहा है सो डेट 6 आवर 18 मिनट के अंदर जो है वाटर लेवल जो इसका राइज कर जाए कितना से 4.5% ना, सो डेट दिस रेज बाय 4.5 मीटर। तो आपने देखा सबसे पहला काम है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इनटू द टैंक, टैंक में कितना वाटर जो है वो फ्लो करे। तो आप देखोगे लेंथ ऑफ टैंक इनटू ब्रेथ ऑफ टैंक इनटू हाइट ऑफ वाटर राइज, तो 7 into 4 और ये दे रखा है आपका 4.5, ये क्या है 4.5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 4 28 28 से 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 126 मीटर। इसके बाद टाइम दे रखा है आपका कितना 6 आवर 18 मिनट, तो 6 + 18/60 आ जाएगा, मिनट को आप आवर बनाएंगे तो 6 से काट दो, 6 3 जा और ये आ जाएगा आपका 6 1 जा 10 आ गया, 6 + 3/10 इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 है, तो 10 6 = 60 + 3 = 63/10 आवर, ये क्या निकल गया टाइम। अब आप देखो कि हमसे जो पूछा गया है उसके लिए निकालना है, तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आप देखोगे यहां तक आपने निकाल लिया था, अब आप देखेंगे इसमें कि अगर हमसे ये बोला जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, यानी कि आप देखो कि लेट लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप, पाइप से जो वाटर जा रहा है उसका लेंथ कितना एक्स मीटर, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू द पाइप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन द टैंक, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू द पाइप यानी पाइप का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वाटर की हाइट, तो आपने माना है कि पाइप से वाटर जा रहा है मान लो एक्स मीटर लेंथ का, तो एक्स उसकी हाइट हो गई 5/100 हो गया और ये 4/100 उसमें पाइप का दिया गया डी इक्वल टू 126, तो एक्स निकालोगे 126 आपका राइट में है और ये जब राइट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो आप जानते हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है और मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, तो डी नोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, सो 126 × 100 × 100 और ये 5 × 4 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये 5 से आपने इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 20 और ये 4 से आपने इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा आपका 4 × 8 = 20 = 25 आ जाएगा। अब आप देखोगे 126 ये आ गया, ये 5 × 4 = 20 होता है तो 5 ले लिया और 4 से 25 को मल्टीप्लाई किया 100 मीटर, आप कैसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दो, ये आ गया। अब ये मीटर था इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड तो ये आपका 100 है, तो 100 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट दो 5 × 10, 2 से इसको काट दो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 10 क्या आ जाएगा 63 किलोमीटर, तो आप 63 किलोमीटर यहाँ लिख सकते हो। और इसके बाद आपने देखा स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन बाय टाइम टेकन, तो डायरेक्ट यहीं पे पुट कर सकते थे कि आपको जो दिया गया क्या दिया गया लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन आपने एक्स कितना निकाला तो आपका एक्स निकल गया है 63, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 63। इसके बाद टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन आप पहले निकाल चुके हैं 63/10, ये आ जाएगा आपका 63/10। अब आप जानते हो कि 63 और ये 10 डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 63, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका जवाब हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से भी आप काटोगे तो सेम वही आएगा क्योंकि ये 20 से ये 20 आपका कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 63 2 जा होता है तो डायरेक्ट 5 2 जा 10 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, ये था आपका
पहला एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपको दिखाया गया है एक फिगर, और चलो फिगर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो ये फिगर दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर टू के अंदर, यानी टू में क्वेश्चन फिगर आपको दिया रहा है। तो क्या कह रहा है इसमें, कि डेट इज अ वाटर टैंक, ए वाटर सप्लाई टैंक एज शोन बिलो विद द गिवन डायमेंशन इज यूज इन अ हाउस, फाइव मेंबर्स यूज फुल टैंक फॉर फाइव डेज, पांच मेंबर वाला घर इसे पांच दिन पूरा यूज करता है। If three members use the tank full, how long the tank works for proper supply? तो ये कह रहा है कि how, अगर if three members use the tank full, अगर tank full को three members use करता है, तो बताइए कि how long the tank works for proper supply? तो सबसे पहला काम है water available in the tank, volume of cone plus volume of cylinder, क्योंकि जो आपका tank दिया दिखाया गया उसमें क्या है, ऊपर cone है और नीचे cylinder है, तो volume of cone निकालोगे 1/3 pi r square h1, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जान चुके हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच टू लेंगे, यानी सिलेंडर और कोन दोनों का रेडियस तो सेम है, हाइट दोनों का अलग अलग है। एच वन हाइट ऑफ कोन दे रखा आपको 8 और रेडियस दे रखा आपका 7 और एच टू हाइट ऑफ सिलेंडर है 10। तो वैल्यू पुट करोगे 1/3 22/77 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 22/77 का स्क्वायर इंटू 10, तो 1/3 आ जाएगा, ये 20 आ गया आपको, और ये 7 से आप इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं। ये 7 से अगर आप 7 को कैंसिल कर दोगे तो ये 7 आपका कैंसिल हो गया, और एक 7 और आपके पास है, तो इस 7 को आप यहाँ से प्लस है, ये 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, ये 3 से आप काट सकते थे, इसने कैंसिल नहीं किया, तो चलो देखते हैं 1/3 आ गया, ये 22 आ गया, और ये 7 8 गया 56 हो गया। यहाँ भी देखोगे एक 7 से एक 7 को काट देंगे, ये आ जाएगा 7 22 × 7 × 10, ये आपका क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल, इतना वाटर जो है टैंक के अंदर अवेलेबल। चलो अब आगे देखते हैं कि इतना वाटर अवेलेबल है, तो इस वाटर को यूज करने वाले कितने थे, पहले केस में पांच मेंबर थे, तो पांच मेंबर थे, अब तीन मेंबर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम है कि आप देखोगे कि ये आपका टोटल आ गया, आप ये कह रहा है कि फाइव मेंबर्स यूज फाइव डेज, कितना, तो 1/5 मेंबर्स यूज वन डे कितना करेगा, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर, अब 1 मेंबर यूज वन डे तो 5 से और डिवाइड कर दो, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे 25 से, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा कितने का, एक मेंबर का। तो डेली यूज ऑफ वन मेंबर आ गया आपका दे, सो नंबर ऑफ डेज फॉर टू मेंबर, टू मेंबर्स के लिए कितने दिन होंगे, तो जो आपका आंसर आया था उसको हम क्या करेंगे, दूसरे यानी कि डेली यूज ऑफ वन मेंबर, डेली यूज ऑफ वन मेंबर आ गया आपका दिस पॉइंट, राइट। तो डेली यूज ऑफ वन मेंबर के लिए इतना यूज होता है, तो हमें कह रहा है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फॉर टू मेंबर्स, तो डेली यूज अगर एक मेंबर करता है, यानी कि एक मेंबर एक दिन में इतना यूज करता है, तो आपसे पूछ रहा है कि अब नंबर ऑफ डेज फॉर टू मेंबर, दो मेंबर जो कितने दिन में कर रहता है, अगर इतना को एक में करता है तो अगर मेंबर निकालना है, तो मेंबर के लिए आपने क्या देखा कि पांच मेंबर जो है यूज करता था एक दिन में, तो एक मेंबर का तो आपने ये निकाल दिया, राइट। तो एक मेंबर का ये निकल गया था, अब इसको क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ डेज फॉर टू मेंबर्स निकालना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये निकाल देंगे, तो आपका जवाब आ जाएगा 12.5 डेज, ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मिल्क टैंक ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन यूज टू कैरी द मिल्क टू द मिल्क बूथ, इफ 50 टैंक्स, इफ द 50 टैंक्स यूज ओनली यूज डेली, देन फाइंड द कंजम्पशन ऑफ मिल्क एट मिल्क, कह रहा है कि मिल्क टैंक ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन यूज टू कैरी द मिल्क टू मिल्क, ये डायरेक्ट टैंक है जिस प्रकार ये 50 टैंक्स यूज डेली, अगर 50 टैंक को डेली यूज किया जाता है, देन फाइंड द कंजम्पशन ऑफ मिल्क एट मिल्क, मिल्क बूथ पे कितना कंजम्पशन होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि फॉर ये डायमेंशन दे रखा टैंक का, ये है आपका 7 इसकी जो हाइट है, और ये जो पोर्शन बना हुआ है इसका रेडियस कितना है 7, तो मिल्क टैंक कैपेसिटी होगा वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्वर आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो
फोर बाई थ्री पाई आर क्यू और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यू है, तो आप क्या करोगे इसमें, क्योंकि तो आपसे बोला गया है वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो टू हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर क्या होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यू, दो था तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फोर पाई बाई थ्री पाई आर क्यू आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, तो फोर बाई थ्री पाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे, आर आपका दे रखा है सेवन, सेवन क्यूब आ गया प्लस में ट्वेंटी टू बाई सेवन, सेवन स्क्वायर इंटू सेवन, तो फोर बाई थ्री इंटू ट्वेंटी टू, और इस सेवन से अगर आप इस सेवन से सेवन को कैंसिल कर दें, अगर आप इस सेवन को सेवन से कैंसिल कर दिए तो ट्वेंटी टू आ गया, सेवन इंटू सेवन, यहाँ भी ट्वेंटी टू था इससे आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो ट्वेंटी टू इंटू सेवन का स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये हमारे पास जो है अब फुल फॉर्म 22 इंटू सेवन स्क्वायर दोनों में, तो ये फॉर्म बन जाएगा 4 बाई थ्री, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो आप देखोगे यहाँ हमारे पास जो है 22 इंटू में 7 का स्क्वायर कॉमन है, तो पहले वाले में आपको क्या बचा 4 बाई थ्री प्लस में आ जाएगा 1, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसे लिख दिया और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7 अपॉन में 3, आप इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब पॉइंट में आ जाएगा, ये निकल गया मिल्क टैंक कैपेसिटी, ये मिल्क टैंक कैपेसिटी है एक टैंक, लेकिन हमसे दिया गया कितना 50 टैंक दिया गया, तो चलो चेक करते हैं 50 टैंक के लिए अब आगे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर, हमें कह रहा डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क एट गुड 50 टैंक है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, ये फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान, तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे ये फोर्थ क्वेश्चन में पहले पेन लेते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मार्बल्स ऑफ डायमीटर, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इन टू अ सिलेंडर बीकर कंटेनिंग सम वाटर एंड आर फुली सबमर्ज्ड, द डायमीटर ऑफ द बीकर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप इन इफ द वाटर राइजेस बाय दिस। तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक मार्बल का डायमीटर दे रखा है, इस सिलेंडर के अंदर ड्रॉप किया जाता है, उसका पानी जो है वो कह रहा है एंड फुली जो पानी उसके अंदर डूबता है, तो डायमीटर ऑफ बीकर 7 सेंटीमीटर है, तो फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप इन इट, ये वाटर राइज हुआ कितने नंबर ऑफ मार्बल डालेंगे जो ऊपर आया, तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ रेस्ड वाटर इन द सिलेंडर बीकर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आपका दे रखा है 22/7, आर आपका आ जाएगा 1.4 दे रखा था, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ दिस, तो इसका जो रेडियस दे रखा है बीकर का वो 7 है, तो 7/2 डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 और इंटू में इसका हाइट, तो हाइट इसका क्या दे रखा, तो हमें कह रहा है इसका जो वाटर है वो 5.6 ऊपर होता है, इसकी हाइट क्या ले लेंगे 5.6, तो ये आपको सॉल्व कर लोगे, 7 से 7 आपका ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये आपका 11 कैंसिल हो जाएगा, 77/2 आ जाएगा और इसको भी आप काट सकते हो, तो ये कट किया जाएगा कितना 2.8, 2.8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 77 से, तो ये आ जाएगा आपका। अब वॉल्यूम ऑफ मार्बल निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल जो निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल क्या होगा 4/3 पाई आर की, 4/3 पाई आर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो इसका अगर आप आर निकालोगे तो आर आ जाएगा 1.4 अपॉन में 2 दैट इज 0.7, ये 0.7 का क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि आपको दिया गया है कितना 4/3 इंटू में दिया गया आपका 22/7 और ये 0.7 तो आप इसको लिख सकते हैं 7/10 मल्टीप्लाई में 7/10 एंड मल्टीप्लाई में 7/10। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 7 से ये 7 आपका कट जाएगा और ये आपका जो है 7/10 ये भी 7 है, ये आपका जो है 7/7 कट जाएगा, अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो आप क्या करोगे सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा 4 × 22 × 7/7 का क्या आ जाएगा 49 और नीचे क्या है आपका 300, ये आप लिख दोगे 300।
अब आप देखोगे कि यहाँ पे 300 पैसे छोड़ दिया है और ये आपका रहा 4312/3 और 4312/3 और ये पॉइंट लगा हुआ, तो आप वैसे निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे इस पर हम मल्टीप्लाई करें तो 22 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, और 88 को अगर आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9872 कैरी आ जाएगा 7, 9 8 7 2 2 और 7 7 9, 4 8 32 4 8 32 और 3 35, ये आ जाएगा टू, ये आपका आ जाएगा कितना, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 9 2 11 और ये आपका था 4 8 32 4 8 32 3 35 11 7 5 12, एक आ जाएगा आपका कितना 13, तो ये आ जाएगा आपका 13, ये आ जाएगा पॉइंट लगाओगे तो कितने 1.20 दो के बाद पॉइंट आ जाएगा 43.121, ये 43.12 आ जाएगा और ये आपका आ गया 3, नीचे का सेम रहेगा, यही आपका आंसर आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मार्बल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बीकर, तो नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर आप निकाल चुके हो और वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स आपने निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका जवाब आ जाएगा कितना 150, ये आपका था राइट आंसर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम है कि जो आपको बीकर दिया गया है बीकर के अंदर उसका रेडियस दिया गया और जितना हाइट जाता है तो आप उसका वॉल्यूम निकाल, और जो वॉल्यूम निकलेगा पूरे का और जो जितना पानी जो वाइट कर रहा है उसके बाद आप निकाल लो किसका वॉल्यूम ऑफ मार्बल का जिसको आपने ड्रॉप किया, तो टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ मार्बल से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मार्बल्स निकल जाएगा। ये ट्रिक याद रख सकते हो, टोटल वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, ये क्या निकलेगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, इसके बाद हमारे पास है फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर क्यूब क्यूबॉइड रूम और बॉक्स के क्वेश्चन है, तो आप इसको देखोगे पहला क्वेश्चन जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, साइड ऑफ ए क्यूब, द साइड ऑफ ए क्यूब मेजर्स 9, व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो आपने पढ़ा था कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3 × साइड, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3 तो √3 × में क्या आ जाएगा 9, ये आपका जवाब हो गया √3 × 9 यानी कि 9√3, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा 9√3, आपका जवाब क्या आ गया सी ऑप्शन। दूसरा कह रहा है डायगोनल ऑफ क्यूब इज 2√3, ये क्या लिखा गया है 2√3, ये आपको दे रखा है 2√3, फाइंड द सरफेस एरिया, तो सबसे पहला काम है कि डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3, √3 × a बराबर आ जाएगा 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। अब आपसे पूछा गया सरफेस एरिया, तो आप जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के लिए 6 × a² तो 6 × में आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 6 × 4 क्या जाएगा 20, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है 6, तो आप जानते हैं कि 6 × में a का स्क्वायर होता है तो यह आ जाएगा 6, ये कट जाएगा तो a² = कितना आ गया 1, तो a² 1 आ गया, तो a की वैल्यू क्या होगी ±1, लेकिन यहाँ पे हमें तो साइड लेना है, साइड शुड बी पॉजिटिव, तो a 1 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हैं क्या होता है साइड का क्यूब, साइड तो 1 है तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 1 क्यूबिक यूनिट, ये आपका राइट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चंस में आप चेक करोगे कि बिल्कुल सेम फॉर्मेट से आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपने थर्ड क्वेश्चन पे कर लिया है फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट, तो फोर्थ क्वेश्चन से अगर हम देखते हैं इसमें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 7 × 9, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हैं क्या होता है साइड का क्यूब, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे a क्यूब बराबर है 7 × 9, तो a क्या होगा 7 × 9 का ये बन जाएगा क्यूब। अब आप जानते हो क्यूब रूट निकालना,
क्यूबिक निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो क्यूबिक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको चेक करना है किसका क्यूबिक क्या हो। एक तरीका यह है कि तीन को आप अलग कर लो और यूनिट डिजिट दो। यूनिट नौ है, नौ को अगर तीन बार गुना करेंगे तो क्या हो, तो आप देखोगे कि नौ को अगर तीन बार करेंगे तो नाइन, नाइन या 81, एक आया तो नाइन, मैंने यूनिट डिजिट क्या आएगा, नाइन ही आएगा। यही इसका राइट आंसर है। और दूसरा तरीका इसका ये ट्रिकी है, पूछता किसी भी नंबर का क्यूबिक निकालना, तो तीन के पेयर लगा लो, तीन के पेयर लगाने के बाद जो यूनिट डिजिट, इसको चेक करो कि इसको तीन बार मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट क्या होगी। नाइन है, नाइन को अगर तीन बार करेंगे तो नाइन नाइन नाइन, नाइन नाइन 81 वन आएगा, फिर वन नाइन या नाइन, नाइन ही आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ गया, नाइन आ गया। ये तो इसका साइड निकल। दूसरा तरीका साइड निकालने का ये है रूट का, कि आप इसको फैक्टर निकाल, जैसे 7 2 9, तो आपने 3 से किया, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर इसको आपने 3 से किया, 3 8 24, 3 1 3, फिर आपने 3 से किया, 3 2 6 7, फिर आपने 3 से किया और ये आ जाएगा। अब 3 के क्यूब है तो 3 के पेयर लगाओ, ये आपके पेयर आ गए। 3 से किया, 3 से किया, 3 से किया 27, 3 9 9, 3 3 1, ये 3 का क्या बन गया, ये पेयर बन गया। तो आपका जवाब हो गया कि अगर आपको निकालना था क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये आ जाएगा कितना, 3 × 3 यानी कि 9। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी साइड निकल गया, साइड निकल गया तो लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा गया। तो आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, √3। तो आपका जवाब हो जाएगा √3 × 9, तो क्या आंसर आ गया, 9√3। फिर ये आंसर आपका राइट है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा, तो आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 × LB प्लस में BH और प्लस में HL। तो आप देखोगे 2 आपने ले लिया, LB का मतलब है 40 × 5, प्लस में BH का मतलब है 5 × 3, प्लस HL का मतलब है 3 × कितना है, ये 10 है, तो आप उसको 10 ली, तो ये आ जाएगा 3 × 10। अब ये क्या मिलेगा, तो देश ये आ जाएगा 10 5 50, 5 3 15 और 10 3 30, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5 का 5 3 1 4 और 5 95। ये आ गया कितना, 95 को मल्टीप्लाई करोगे 2 5 10 2 9 18 8 9, 190 स्क्वायर मीटर। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ये था आपका 5th क्वेश्चन। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन से लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन में क्या ध्यान, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिस है, फाइंड द वॉल्यूम। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप जानते हो 6a² होता है, ये हो जाएगा 6a² = 7 2 6। 6 से डायरेक्ट काट सकते हो, 6 1 6, 6 2 12, ये नहीं कर रहा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 7 2 6² सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आपको दिया गया है कितना, 7 2 6, 7 2 6 में आप देखोगे हमने यहाँ पे 7 2 6, 6 1 6 आ जाएगा, 6 2 12 और 6 1 6 121, तो ए का स्क्वायर 121, तो ए क्या होगा, √121 11। स्क्वायर रूट के भी तरीके आपको हमने बता चुके हैं कि जैसे दो को अलग कर, एक है तो एक का यूनिट इकाई, तो एक का अगर हम देखें किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक आएगा, तो आप जानते हैं कि अगर एक का एक आता हो, 9 का स्क्वायर में एक आता है और ये बच गया एक का, तो 1 ही होता है, राइट। अब आप देखोगे क्या आ रहा है, यानी 1 और 9, तो आप देखोगे 9 तो ग्रेटर आ गया, ये एक कंप्लीट स्क्वायर था 1 का, तो छोटा वाला आंसर होगा आपका, राइट आंसर क्या आ गया, 11। वैसे बच्चे जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, ए निकल गया। अब आपको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, 11 का क्यूब आप करोगे, 11 का क्यूब तो सब जानता है 1331, नहीं जानते हो तो 11 का स्क्वायर होता है 121,
इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 वन जाए 11, 11 टू जाए 22, 11 11 टू 11 वन जाए 11, 11 टू जाए 22, में 1 को रोगे 23 और ये आ जाएगा 13, तो कितना आ गया 1331। तो आपका राइट आंसर ए आ गया, यही आंसर करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट इज व्हाइल इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो आप जानते हो कि इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये दे रखा है कितना 198। तो लेंथ हमसे पूछा गया है, हाइट लेंथ दे रखा है 17 और ये दे रखा है आपका 13 और हाइट आपको मालूम है और ये आ जाएगा 198। अगर आपको हाइट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1989 अपॉन में आप देखो ये आ जाएगा 17 इंटू में 13। आप इसको काटोगे तो काटने के कई तरीके हैं, आप इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 13 से काटोगे तो 13 बन जाए 13, 6 बच जाएगा 68, 13 5 जा होता है 65 और 3 बच जाएगा 13 3 जा 39। अब ये 17 आ गया, 9 7 जा 63, 9 1 जा 96 15। तो देखो आपको बिल्कुल इजी लगा, 9 से ये कट गया, तो आपका जवाब ये क्या आ गया, h की वैल्यू क्या आ गई 9। तो आपका आंसर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि 3 क्यूब, चलो पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे हमें कह रहा है कि द 3 क्यूब्स 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड फॉर्म ए न्यू क्यूब, फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू। कह रहा है कि 3 क्यूब्स का साइड दे रखा 1, 6 एंड 8 मेल्ट किया गया, कह रहा फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। आप जो बनाएंगे उसका सरफेस एरिया का हाफ क्या हो, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है LBDHH। न्यू जो आप निकालोगे उसके अगर हम लेंथ की, पहले तो आप देखो 3 क्यूब ऑफ साइड दे रखा है, तो 3 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर को मेल्ट किया गया और उसको कह रहा है कि क्या बनाया गया, एक जो है नया क्यूब बनाया गया। तो आप जानते हो फाइंड द हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो कि जो नया क्यूब बनेगा उसका साइड्स क्या होगा, तो साइड्स के लिए हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब सब लोगे तो पहले वॉल्यूम का साइड कितना है 1, इसका क्यूब हो जाएगा 1 क्यूब, दूसरे का 6 है इसका आ जाएगा 6 क्यूब और तीसरे का साइड कितना 8 इसका आ जाएगा 8 क्यूब और ये बराबर में हो जाएगा किसके, 1 क्यूब के बराबर आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा, 8 का जो आप जाए तो 8 64 को आप 8 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 512 और ये आ जाएगा 8, जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9 आ जाएगा, 112 आ जाएगा आपका, 527 कितना आ गया 729 बराबर कितना आ गया 1 का, 1 की a निकालोगे तो 729 का ही आ गया क्यूब। 729 तभी निकाला था, 9 होता है, 9 का क्यूब होता है कितना 729। अब आपसे पूछा गया फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस, तो हाफ ऑफ सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे, हाफ ऑफ सरफेस एरिया, तो हाफ ऑफ सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा 6a² / 2, तो 2 से काट दो ये आ जाएगा 3a², तो 3 * में a कितना निकाला आपने 9, ये आ जाएगा 9² तो 3 * में क्या आ गया 81, तो 3 बन जाए 3, 243 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। तो चलो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अगर अच्छी तरह से, उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट लाइव क्लास लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जूम ऐप पे हमारी लाइव क्लास होती है, इसकी फीस बहुत ही नॉर्मल है और आप इजीली इसको
कर सकते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।